उत्तराखंड के सितारगंज की कैलाश नदी में बहे कोंदा अशरफ गांव के चरण सिंह का शव आज तीसरे दिन घटना स्थल से 4 किलोमीटर दूर आगे मिला। लगातार पहाड़ पर हो रही बारिश से क्षेत्र की नदियों का जल स्तर बढ़ गया है। 3 दिन पूर्व कोंदा अशरफ गांव के चरण सिंह कैलाश नदी पार करते समय बह गए थे। वही प्रशासन पिछले 3 दिनों से रेस्क्यू अभियान चलाकर चरण सिंह को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज चरण सिंह की बॉडी कैलाश नदी के किनारे मिली। जैसे ही सूचना गांव वालों और परिजनों को मिली, देखते ही देखते वहां भीड़ लग गई। वहीं एसडीएम और सीओ पूरे प्रशासनिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और नदी से चरण सिंह की बॉडी निकालकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं दूसरी तरफ परिवार को सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और परिवारजनों के साथ रिश्तेदार और आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए, जिनको सीओ हिमांशु साहनी हौसला रखने की बात कही और उचित कार्यवाही कर हर संभव मदद परिवार को देने की बात कही। पेश है सितारगंज के संवाददाता अनीस रजा की खास रिपोर्ट। नदी के किनारे जो साइड होती है उसमें आज पानी ज़्यादा आया तो उससे वो ऊपर आ गई, तो ये इसको डिटेक्ट कर लिया गया, पहचान लिया गया है और ये चरण सिंह की बॉडी है।